नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत ने किस देश की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने का फैसला लिया है? तो उत्कृष्टता के गांवों के रूप में बदलने का जो फैसला लिया है 150 गांवों को, यह इजरायली देश की तकनीकी सिस्टम के सहायते से। अगला सवाल है, 2021 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, और अगर पहले स्थानों की बात करें तो पहले स्थान पर जो है चीन है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो ये जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कोयला गैसीकरण और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले के संरक्षण के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे? तो कोयले के संरक्षण के लिए जो है 4 पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने हैं। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी थी? तो भारत की जो है 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता तो ये 427 ग्राम प्रतिदिन थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा आयोजित 7वीं लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस फिल्म को प्रथम स्थान दिया गया? तो स्ट्रीट छात्र को प्रथम स्थान दिया गया। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से किसान रेल की 1001वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई? तो 1001वीं किसान रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है कहाँ से? तो ये सावदा, और ये सावदा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ से चली थी सावदा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली के लिए। और पहला किसान रेल आपको पता है कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चला था। अगले सवाल को देखें, किन दो राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अपने 5 दशक पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के एक हिस्से को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये सीमा विवाद जो है असम मेघालय के बीच हो रहा था, तो जो कि अमित शाह की उपस्थिति में जो है दोनों ने आपसी संबंध पर जो है हस्ताक्षर किए। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया? तो ये वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। अगला सवाल है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो यह था उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर था, और एक जिला एक उत्पाद था। अगर पीपल्स चॉइस कैटेगरी में देखेंगे तो उसमें जो है राज्यों में महाराष्ट्र छप पहले स्थान पर। अगला सवाल देखें, फरवरी 2022 में बांग्लादेश के रास्ते पांडू के लिए पटना से किस अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो यह था MV लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित हैं? देखते हैं, भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट, ये सही हैं, और अभिलाषा बराक पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट, ये भी सही हैं, और शिवांगी सिंह भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट, ये भी सही हैं, और मनीषा कल्याण UEAF महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर, ये भी सही हैं।
तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित हैं, सत्य हैं। जनवरी 2022 में भारत के किस न्यायालय में न्याय घड़ी का उद्घाटन किया गया? तो भारत का वो है गुजरात उच्च न्यायालय, जहां पर कि न्याय घड़ी का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल देखें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपियन ने भाला फेंक में 3 पदक हासिल कर अच्छा प्रदर्शन किया, तो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित नहीं है? बात करें देवेंद्र झझरिया, तो ये भाला फेंक से संबंधित है, और इनकी बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में जो है इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था देवेंद्र झझरिया के द्वारा। उसके बाद सुंदर सिंह गुज्जर, तो सुंदर सिंह गुज्जर के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। और योगेश कथुनिया, तो योगेश कथुनिया जो है इनका संबंध भाला फेंक से नहीं है, बल्कि इसका संबंध चक्का फेंक से है, इसीलिए जो है ये गलत हैं। और इन्होंने जो है चक्का फेंक प्रतियोगिता में जो है रजत पदक जीता था। उसके बाद बात करें सुमित अंतिल, तो सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक से ही संबंधित है, और इसने रजत पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 IMEAX 2022 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ में? तो ये पहले संस्करण का आयोजन हुआ था गोवा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 100वां हर घर जिला बन गया है? तो 100वां जो है क्रम के हर घर जल वाला जिला बन गया है, तो ये जिला जो है चांबा जिला है, और कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। अगला सवाल, किस राज्य की कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी नेपकिन मुक्त पंचायत बन गया? यानी कि किस वो राज्य की जो है कुंभलंगी गांव कौन सा है, किस राज्य की है जो कि पहला सैनिटरी नेपकिन मुक्त पंचायत बन गया है? तो यह है केरला का कुंभलंगी गांव। अगला सवाल है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFS 2021 में भारत की रैंक 71वीं रही थी, किस संस्थान ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया है? नो टीचर नो क्लास यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2021, तो दो व्यक्तियों को दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, और वो था मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव। अब्दुल रजाक गुरनाह को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और सुक्रियो मनाबे क्लास हैसलमैन और जो है जॉर्जियो पेरेसी इनको फिजिक्स का दिया गया था, और बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन केमिस्ट्री का दिया गया था। अगला सवाल देखें, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटका। अगला सवाल है, किंग चिली के नाम से मशहूर राजा मिर्चा पहली बार किस राज्य से लंदन को निर्यात किया गया? तो राजा मिर्चा को जो है पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है नागालैंड से, नागालैंड के हैं ये। अगले सवाल को देखें, मोमीजी निशिया जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बने, और ये जो है मोमीजी निशिया जापान के हैं। अगर इनकी उम्रों की बात करें तो इनका उम्र हुआ है 13 वर्ष 330 दिन, और इसने स्केटबोर्डिंग में जो है स्वर्ण पदक जीती थी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया था, और दूसरे स्थान पर बात करें तो राजस्थान, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। अगला सवाल, जनवरी 2022 में भारत के पहले अद्वितीय ओपन रॉक संग्रहालय, तो भारत के पहले अद्वितीय ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया?
तो यह संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है VS पठानिया को। अगला सवाल देखें, भारत के कितने शहरों में सबसे पहले कमर्शियल 5G सेवाएं शुरू की जाएगी? तो भारत के वो शहर जो हैं 13 हैं जहां पर कि पहले कमर्शियल 5G सेवाएं शुरू की जानी है। दिसंबर 2021 में भारत ने अपनी क्षमता निर्माण में सहायता के लिए किस देश को दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC सौंपे हैं? तो ये मोजाम्बिक को सौंपे हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मई 2022 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2021-22 में मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में हुआ था? तो ये बिहार राज्य में हुआ था और इन्होंने उड़ीसा राज्य इससे पहले थे। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने पराली प्रबंधन हेतु किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया? तो ये जो है पराली प्रबंधन मॉडल रोहतास का है जो कि पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना 1687-88 मद्रास में हुई। इसके बाद 1726 ईस्वी में भारत का दूसरा एवं तीसरा नगर निगम बॉम्बई एवं कलकत्ता में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? छठी अनुसूची जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है उसमें स्पेशल रूप से चार राज्यों को आश्रय दिया गया है, चार राज्यों का उल्लेख किया गया है। और वो चार राज्यों की बात करें तो मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? महान्यायाधि पद धारण करता है, केंद्रीय मंत्री करता है, राज्यपाल भी करता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। और इनकी नियुक्ति होने से जो है इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए और या फिर इनका उम्र 65 वर्ष हो जाए। अगले सवाल को देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य हैं? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति तो ये होता है उपराष्ट्रपति जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं और 14वें क्रम के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और ये 15वें क्रम के हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथनों की पहचान करना है, देखते हैं। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था, ये बात सही है क्योंकि प्रांतों को हटाकर केंद्र में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया था। और इसके द्वारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। और उसके बाद देखें तो इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता जो है प्रारंभ ही किया गया था। प्रांत को हटाकर जो है उन्हें स्वायत्ताएँ प्रदान की गई थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है यहाँ पर शुरू ही हुआ था, तो इसलिए ये गलत है। और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, ये सही है, सी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान दिया जाता है? तो संघ द्वारा अनुदान दिया जाता है अनुच्छेद 275 के तहत, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। बिहार की क्षेत्रीय भाषा मैथिली को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया था 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। और वर्तमान में देखेंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषे का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से, संसद का संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है ये लिया गया था ब्रिटेन से। संसदात्मक मंत्रिमंडलीय प्रणाली
और एकल नागरिकता। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से न्यायालय द्वारा कौन सा रिट उन सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जब वे अपना कार्य ठीक से नहीं संपादित करते हैं? तो उनके द्वारा जो है उनके लिए परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अर्थात न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाईकोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है? नीति निदेशक तत्व का भाग लोक स्वास्थ्य में सुधार हैं, बालकों को स्वास्थ्य के विकास के अवसर हैं और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन भी है और ग्राम पंचायतों का उन्मूलन इसके अंतर्गत नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया था अनुच्छेद 40 में, उन्मूलन इसके बारे में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जाती है? भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध का उल्लेख है, अनुच्छेद 352 से 360 तक इनका उल्लेख है और भाग 18 में। 352 में आपको पता है कि राष्ट्रीय आपात है और 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है और 307 में वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है और ये राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लगता है संवैधानिक तंत्र फैल होने पर, और राष्ट्रीय आपात जो है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के समय लगता है और वर्तमान में 3 बार लग गया, 1962, 71 और 75 में। तो ये जो है युद्ध के समय, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, और लेकिन ये राज्य में कानून व्यवस्था की अत्यंत खराब स्थिति में जो है ये नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखें। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है, यानी कि किसी भी विधेयक पर अगर विवाद हो जाए दोनों सदनों में तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के माध्यम से, और ये राष्ट्रपति बुलाते हैं और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के 4 के अंतर्गत जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन 57 की आहुत और समाप्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में सीटों की संख्या एवं राज्यों का जोड़ा कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा के सीटों की संख्या है 31, गुजरात में 13। गुजरात जो है 13, यही गलत है क्योंकि गुजरात में जो है राज्यसभा की 11 सीटें हैं और बिहार में 16 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का लेखा जोखा संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, और ये जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इनका नियुक्ति अनुच्छेद 76 के माध्यम से राष्ट्रपति करते हैं। भारत का सर्वोत्तम कोयला निक्षेप किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो भारत के सर्वोत्तम कोयला निक्षेप जो है गोंडवाना क्रम में पाया जाता है, लगभग 95% कोयला जो है यहीं से प्राप्ति की जाती है। अगले सवालों को देखें। गंगा के उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंगा के उत्तरी तट की अंतिम सहायक नदी अगर आप देखेंगे तो ये महानंदा है, जो कि बंगाल बिहार के बॉर्डर पर अर्थात बंगाल से ही ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है जरा देखते हैं। बीरानम झील तमिलनाडु, ये सही है। पुलिकट झील, तो पुलिकट झील केरल दिया है, ये गलत है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तो इसलिए ये जो है गलत दिया है। और चंद्रताल, सूरजताल, ये झील कहाँ पर है? HP में है, हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ये भी गलत है। और सोंगमो झील सिक्किम में है, ये सही है। दो सही दो गलत, तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है। सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ दर्रा है, एक तरफ राज्य है। नाथोला जिलेपला सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन की चयन करना है? तो पश्चिमी विक्षोभ मूलतः एक
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये सही है। और इस चक्रवात की उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है, ये भी सही है। इस चक्रवात के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा एवं हिम वर्षा होती है, ये भी सही है। इसे प्रायः लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है लौटता हुआ मानसून या फिर उत्तर पूर्व मानसून के कारण से जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, इसलिए ये जो है गलत है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बारिश होती है, उत्तर पश्चिमी में। अगले सवाल को देखें। इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास सघन व विभिन्न स्तरों के रूप में होता है, साथ ही तापमान एवं वर्षा की निरंतर पूर्ति के कारण यहाँ की वनस्पति बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, इसलिए यहाँ पेड़ों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक भी हो उससे भी अधिक होती है, 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। यह कथन किस प्रकार के वनस्पति के बारे में कहा गया है? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में कहा गया है। अगला सवाल देखें। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होगी, हालांकि कहीं पर आपको मिलेगा तो कहीं पर आपको मिलने वाले हैं कौन सी मिट्टी, तो ये चिकनी मिट्टी, कहीं पर आपको ऑप्शन में मिलती है चिकनी मिट्टी की अधिकतम जल धारण क्षमता, और सबसे कम जो है रेतीली मिट्टी की होती है सबसे कम, इस प्रकार से। अगले सवाल को देखें। जब बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है तो उस कृषि को कहा जाता है विस्तृत कृषि। अगला सवाल है, भारत में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु में। और नल पंप यानी कि पंप सेट जो है तो यह ट्यूबवेल के द्वारा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम घटते क्रम में, वो बढ़ते से घटते क्रम में। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है भारत में केरल में है 1084, फिर उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, चक्रवात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को चुनना है? चक्रवात के केंद्र में निम्न दब पाया जाता है, ये बात सही है। और हवाएं बाहर से भीतर की ओर आती हैं, ये भी सही है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी के सुइया के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में होती है चक्रवात में, तो ये गलत है। और विली विलीज नामक चक्रवात उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, कोबे लौह इस्पात के लिए है, ये सही है। वेनिस कांच उद्योग, ये भी सही है। और सिएटल लोहा इस्पात दिया है, ये गलत है। सिएटल जो है वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये जो है गलत है। और कंसांस मांस उद्योग के लिए ये सही है। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था आर एमंडसन और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी। अगला सवाल देखें, एक तरफ हवाई हैं और एक तरफ चक्रवात है, देखते हैं मैचिंग कराते हैं, मिलान कराते हैं। फान जो है कहां पर बहने वाली है? तो फान स्विट्जरलैंड में बहने वाली है। फिर उसके बाद चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। और हरमट्टन देखेंगे तो हरमट्टन हो जाएगा गिनी के तट पर, यानी कि गिनी में। और ब्रिक फील्डर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। फॉन स्विट्जरलैंड, चिनुक अमेरिका, कनाडा, हरमट्टन गिनी, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? अपने धुरी पर बात करेंगे तो वो ग्रह है बृहस्पति, जो कि मात्र 10 घंटा में अपने धुरी पर चक्कर लगाते हैं, अपनी भ्रमण करते हैं, लेकिन परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाता है। अगले सवाल को देखें। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं, बिहार की कुल जनसंख्या 1040,99,452, ये सही है। और राज्य की 88.7% जनसंख्या गांवों में, ये भी सही।
और बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत 11.3%, ये भी सही। बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा, ये भी सही। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई, ये जो इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी सही हैं। अगला सवाल है, बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम भागीदारी वाला ज़िला कौन सा है? कौन सा ज़िला नहीं है, यानी कि वह कौन सा ज़िला है बिहार का जिसका बिहार की जनगणना में जो है ये जनसंख्या में 1% से भी कम भागीदारी है? तो वह ज़िला शिवहर है, अरवल है, लखीसराय है, लेकिन जहानाबाद जो है नहीं है। अगला सवाल देखें, बिहार के निम्नलिखित में से किस ज़िले में चाय की खेती नहीं होती है? तो बिहार के वह ज़िला किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये सभी ज़िले में चाय की खेती होती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जो है ज़िला है, इसको मैचिंग कराते हैं, मिलान कराते हैं, देखते हैं। तो ये जो है इथेनॉल कहाँ पर लगाया गया, तो ये पूर्णिया में लगाया गया। उसके बाद कांटी थर्मल पावर कहाँ पर है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। और रासायनिक उर्वरक कहाँ पर है, तो ये जो है बेगूसराय में, बरौनी में है। फिर उसके बाद देखेंगे तो लाख उद्योग कहाँ पर है, तो गया में है। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, बिहार के निम्नलिखित ज़िले का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में आप जाएंगे तो वैशाली, मधुबनी, सहरसा और सबसे पूर्व में बांका पाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रतिपादित किया गया। मानव विकास सूचकांक में कौन सा आधार नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक 1990 से जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा दिया गया है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, राष्ट्रीय आय को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन गरीबी को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। विदेशों से प्राप्त हुए आय संबंधी आंकड़े कौन प्रकाशित करते हैं? तो विदेशों से जो संबंधित आय के आंकड़े होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता कहा जाता है M. विश्वेश्वरैया को। इन्होंने जो है आधुनिक नियोजन 1934 ईस्वी में ही प्रतिपादित किया था। और उसके बाद देखेंगे तो इन्होंने प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था, लेकिन आर्थिक नियोजन समिति जो है 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दांतेवाला समिति के सिफारिश पर प्रारंभ की गई। अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरलता की मात्रा नियंत्रित करने के लिए जो है CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR का प्रयोग किया जाता है। तो ए और बी हो जाएगा राइट आंसर, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से जो है एक से अधिक। अगर बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है साख पर नियंत्रण के लिए ये जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, राजकोषीय नीति के उपकरण में कौन सा शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति के उपकरण में करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और नई मुद्रा, ये सब शामिल है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 में। अगला सवाल, राज्य एवं फसल उत्पादन में प्रथम का सही कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी एक तरफ राज्य है, एक तरफ उससे संबंधित प्रथम स्थान जो है उत्पादन किया गया है, फसल है, चावल पश्चिम बंगाल ये सही है, और मूंगफली गुजरात सही है, नारियल तमिलनाडु दिया है, तो नारियल हो जाएगा केरल, इसलिए ये गलत हैं, और काजू महाराष्ट्र ये सही हैं। अगला सवाल है, ताम्र अयस्क का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक होता है?
तो तांबा जो है सर्वाधिक उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन भंडारण शब्द सर्वाधिक राजस्थान में। बिहार के किस जिले में प्रस्तरीय युगीन गुफा चित्र नहीं प्राप्त हुए? तो प्रस्तरीय युगीन गुफा चित्र जो है नवादा, कैमूर, जमुई में प्राप्त हुआ, जबकि पश्चिमी चंपारण में प्राप्त नहीं हुआ था। सर्वप्रथम किस मगध शासक ने वैशाली पर अधिकार स्थापित किया? तो वैशाली पर जो है अधिकार स्थापित करने वाला सबसे पहला मगध वंशीय शासक था अजातशत्रु, और ये बिंबिसार के पुत्र थे, हर्यक वंश के शासक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस पुस्तक में वर्णित है कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था, ये राजतरंगनी में कहा लिखा गया है, और राजतरंगनी के लेखक कौन है? तो कलहन है जी, को जमी जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक हैं। सिखों के दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो इनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। बिहार के सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो बिहार के सूफी संतियों में अगर देखेंगे तो सबसे आरंभिक नाम इमाम ताज फकीह का होगा, इमाम ताज फकीह। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए किसे उप दीवान नियुक्त किया है? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, जिसमें बंगाल बिहार में जो है द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और 1772 में जो है द्वैत शासन वारन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया। तो बिहार में उप दीवान बनाया था सिताब राय को, और बंगाल का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। अगला सवाल, बिहार होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो है मजरुल हक थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और 1918 में जो है एनी बेसेंट दो बार बिहार भी आए थे होम रूल लीग को प्रोत्साहन करने के लिए। चंपारण सत्याग्रह के लिए वर्ष 1917 में महात्मा गांधी बिहार के दौरे पर आए थे, तो चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों को तिनकथिया प्रथा समाप्त करना पड़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत का त्याग किया था, तो वो असहयोग आंदोलन के समय त्याग किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। अगला सवाल, दशराग युद्ध सुदास और दशजन के बीच हुआ था, तो इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, और ये परोसनी नदी पर हुआ था। अगला सवाल देखें, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को देखेंगे तो ये स्वीकार कर जिन के नीचे स्थान दिया गया था, स्वीकार तो किया गया था लेकिन जिन के नीचे स्थान दिया गया। मगध के उत्कर्ष के समय ईरान के किस शासक ने पश्चिम उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो यह था डेरियस था वो। अगला सवाल देखें, मौर्य काल का महास्थान का अभिलेख, तो मौर्य काल के दौरान जो है महास्थान का अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ये बांग्लादेश में प्राप्त हुए थे, स्थित हैं। निम्न में से किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। अगला सवाल देखें, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने ही जो है तुर्कान ए चहलगामी संगठन का जो है निर्माण किया था। निम्न में से किस वंश के शासनकाल में सेना को भूमि के बदले नगद वेतन? आपको पता है कि नगद वेतन सेना को होलिया लिखने, और ये खिलजी वंश के शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल को देखें, विजयनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया? तो वो था हरिहर द्वितीय, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। अगला सवाल, मुगल बादशाह अकबर किस वर्ष भारत की गद्दी पर बैठा?
जन्म 1542 में, और मगध की गद्दी पर जो है 1556 ईस्वी में बैठा था। 1556 से 1560 तक जो है बैरम खां इसके संरक्षक रहे थे। और अगले सवाल को देखें, सर्वप्रथम किस मुग़ल बादशाह ने कंधार पर अधिकार कर लिया था? तो कंधार पर अधिकार सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिंध का अधिग्रहण किस वर्ष किया? तो सिंध को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में जो है अपने अधीन कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय से पूर्व भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य तो यह था पंजाब, जिन्हें अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, विलय किया गया था 1849 में। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसके बाद पंजाब को विलय कर लिया गया था। ईस्ट मरारी बंदोबस्त, जिन्हें कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, तो ये जो हैं ज़मींदारों को लगान का कितना भाग राज्य को देना होता था? तो 10/11 भाग जो है, यानी कि 11 भाग में 10 भाग राज्य को देना होता था। 1865 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर हाईकोर्ट की स्थापना नहीं हुई थी? तो 1865 ईस्वी में दिल्ली में नहीं हुई थी, बाकी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हुई थी। 1921 ईस्वी में भारत में स्त्रियों की शिक्षा का कितना प्रतिशत था? स्त्रियों का शिक्षा का प्रतिशत 1921 ईस्वी में जो है 2% मात्र था। अगर बात करें तो कुल मिला के जो है 8% व्यक्ति ही 1921 ईस्वी में शिक्षित था, और जिसमें 2% महिलाएं शिक्षित थी। अगले सवाल को देखें, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया गया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण सैन्य समिति के प्रमुख बख्त खां के हाथों में था। नाना साहब तो कानपुर से किया था। अगले सवाल को देखें, सर्वप्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में, और द्वितीय इंडियन फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1891 में लैंस डाउन के समय में, किस वायसराय के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में लागू किया गया था सोम प्रकाश पत्रिका पर, और इसके डर से जो है अमृत बाजार पत्रिका ने बंगाली के बजाय अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया था, और इसे पायनियर ने समर्थन दिया था। उसके बाद रिपन ने जो है इसे 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। अगला सवाल देखें, किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को? आर्य समाज की स्थापना की बात है तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था बम्बई में 1875 में, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगले सवाल को देखें, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन किया? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, और इनके विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ, फिर भी अंततः जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार करें और कालक्रम अनुसार सजाएं। अगर हम बात करें, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, फिर बात करें काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, फिर बात करें असहयोग आंदोलन तो ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ था। अब जो है घटना को इनके अनुसार से सजाना है, तो पहले हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर 1, 2, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए में मौजूद हैं। 1919 के अधिनियम को किसने कहा कि यह भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था? तो भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया कथन था। भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित होने पर किसने कहा था कि यह भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व को जारी करने का सबसे सर्वोच्च तरीका है? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था, क्योंकि यह भारत का वायसराय था उस समय के। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में
कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की बात है तो कलकत्ता में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 1825 ईस्वी में किया गया था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया था। अगले सवाल को देखें। कुनैन जो मलेरिया के इलाज के लिए के प्रयोग की जाती है, तो कुनैन से जो है मलेरिया की इलाज की जाती है, तो यह किस पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे के छाल से। लाइकेन किसका सूचक है, तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन पौधे नहीं उगेंगे। निम्न में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास नहीं करता है, मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास नहीं करता है, राइजोबियम, ये लेग्यूमिनेसी पौधे के जड़ में होते हैं, और ये बात दलहनी पौधे के जड़ में। और बात करें ए जो स्पाइरिलब और एजेटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम, ये सब जो है स्वतंत्र रूप से जीवाणु मिट्टी में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सत्य फल नहीं है, तो सत्य फल उसे कहेंगे जो बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन से जिसकी उत्पत्ति होगी। तो यह कटहल जो है असत्य फल है, यानी कि सत्य फल नहीं है, बाकी अमरुद केला सरल फल आते हैं लेकिन सत्य में आते हैं, आम तो सत्य फल में आते हैं, और स्ट्रॉबेरी रसभरी जो है पुंज फल में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। आम एवं बैंगन में होने वाली लिटिल लीफ रोग, तो लिटिल लीफ रोग जो है आम और बैंगन में होते हैं जस्ते की कमी के कारण से, और नींबू के डायबैक तांबे की कमी से होते हैं। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मूंगा, मूंगा संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं, ये सही है, केचुआ संघ पोरीफेरा के अंतर्गत, जोंक केचुआ ये जो है पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं बल्कि यानी लीडा के अंतर्गत आते हैं, यानी लीडा के अंतर्गत, इसलिए ये गलत हैं, और फेता क्रेमी संघ प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत आते हैं, सही हैं, और बोच रेडिया संघ एसकेलमेंथीज के अंतर्गत, ये भी सही हैं। अगले सवाल को देखें। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप ये है नागराज। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आरबीसी में आरबीसी के निर्माण में सहायक नहीं होता है, आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन होते हैं, आयरन होते हैं, फोलिक अम्ल होते हैं, लवण का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। संदेहास्पद स्थिति या भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्तियों की चिकित्सीय परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा व्यक्ति का बिसरा सुरक्षित रखा जाता है, यह बिसरा क्या होता है, तो यह यकृत होता है, जहर देकर मारे गए व्यक्तियों का यकृत से ही यह जो है सिद्ध होती है। अगले सवाल को देखें। भोजन में निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण ग्वाइटर बीमारी, तो ग्वाइटर घेंघा ये आयोडीन के कमी के कारण होते हैं। निम्न में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया बीमारी, तो एनीमिया साइनोकोबालमिन की कमी से, आयरन की कमी से। अगले सवाल को देखें। विटामिन B1 थायमिन हो गया, और विटामिन बात करें B12 का जो है साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अगला सवाल। बीटल निम्न में से किसकी नस्ल है, तो बीटल जो है ये जो है जमुनापारी, बीटल जमुनापारी ये सब बकरी की नस्ल है, ये जो है मुर्रा भैंस की नस्ल है, और बात करें गाय की नस्ल तो साहिवाल हो गया, फ्रिजियन हो गया। अगला सवाल। निम्नलिखित मात्रा और उनकी इकाई का मिलान करें, एक तरफ मात्रा है एक तरफ इकाई दी गई है, तो चलिए मिलान करते हैं, तो चालकता का हो जाएगा सीमेंस, और विद्युत चुंबकीय प्रवाह का क्या हो जाएगा, बेवर हो जाएगा, और फिर देखें तनाव का पास्कल हो जाएगा, प्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा, प्रेरकत्व हेनरी, तनाव पास्कल, चुंबकीय प्रवाह बेवर, विद्युत चालकता सीमेंस। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भूतापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा और थर्मोकपल के द्वारा तैयार यानी चेंज किया जाता है, परिवर्तित, आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें। संवेग में परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार करना है,
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये सही है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में नहीं होता है, तो संवेग में परिवर्तन सदैव बल की ही दिशा में होती है, इसलिए यह गलत हो गया। संवेग एक अदिश, संवेग एक जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसलिए ये भी गलत है, केवल एक सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है? देखते हैं, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन, एक सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरण की दृश्यता, ये भी प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी प्रकीर्णन के कारण ही होते हैं। अगले सवाल को देखें, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या फिर ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है, इसका वजह चालन संवहन विकिरण, ये तीनों होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रदीप्त नलिकाओं अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा जाता है क्या? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है कम दाब वाली गैस भरा जाता है, कम दबाव वाली गैस और ओक्रिया गैस भरा जाता है, इसलिए दोनों सही है, बी सी, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित तरंग में गलत कौन सा है? एक तरफ तरंग दैर्ध्य का रेंज दिया है, एक तरफ तरंग है, तो गामा किरणें जो है 10^-14 से 10^-10, ये सही है। एक्सरे 10^-10 से 10×10^-8, 3×10^-10 से 3×10^-8, तो एक्सरे ये भी सही है। दृश्य प्रकाश के बारे में जो है 4×10^-7 से 7.8×10^-5, यही इनके बारे में गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 10^-7 होगा तब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगस्ट्रम में 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है, और यहाँ पर लॉन्ग वेव रेडियो 1×10^4, तो ये सही है। पृष्ठ तनाव और केशुकत्व निम्नलिखित में से किसके विशेष गुण हैं? तो दाब, पृष्ठ तनाव और केशुकत्व, ये जो है तरल के गुण हैं, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, तो वस्तु से छोटा होगा और ये उल्टा होगा। बस अगले प्रश्नों को देखें, रेडियो धर्मिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं, वो अस्थिर तत्वों में यह प्राकृतिक घटना है, ये सही बात है। इसमें सहज विघटन चरित्र हैं, ये भी सही है। इसमें अल्फा बीटा गामा किरणें का उत्सर्जन होता है, उसके बाद सीसा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। और यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये इनके बारे में गलत है, क्योंकि यह जो है एक परमाणु प्रतिक्रिया है, यह एक परमाणु प्रतिक्रिया है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा एक दाग विरंजक, बाकी बर्फ़ का पिघलना भौतिक, पानी में चीनी का विघटन भौतिक, मोम का पिघलना, यह सब भौतिक हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित हैं? ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, टमाटर में, ये सही हैं। टार्टरिक अम्ल केला में, अंगूर इमली में भी रहता है, ये भी सही हैं। मैलिक अम्ल सेब में, ये सही हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में होता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, इसलिए ये गलत हैं। अगला सवाल है, कौन सा संकेतक केवल आधार के साथ काम करता है? तो आधार के साथ जो है केवल काम करता है ये संकेतक हैं, मिथाइल ऑरेंज। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शामक सेड एक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सेड एक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है किन का? पोटेशियम ब्रोमाइड का। वृक्षों और झाड़ियों की खेती कहलाती है आर्बोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बागवानी की खेती की जाती है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? तो साबुन जो है ग्रीस को पायासीकरण के माध्यम से हटाते हैं।
प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को जो है कठोर बनाने के लिए कार्बन और मुलायम करने के लिए सल्फर। तो कठोर रहेंगे अगर रबर तो उसको मुलायम करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसे हम वल्कनीकरण कहते हैं। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करना है, तो गलत संख्या का चयन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 91 यहाँ पर 9 बढ़ा है तो 100 हुआ, 9 3 12 बढ़ा है तो यहाँ पर जो है 112 हुआ है। अब की बार 12 यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ के 15 बढ़ेगा, तो 112 15 127 होगा, इसलिए डी आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। और फिर यहाँ से 15 3 18 जोड़ेंगे 127 18 तो हो जाएगा 145। अगले प्रश्न को देखें। अब है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समीर से 2 घंटा अधिक लेता है, यदि अभय अपनी गति को 2 गुना कर दे तो समीर से 1 घंटा कम समय लगता है। तो अभय की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो इसे कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा, यानी कि 2 घंटा अधिक। और ये जाएगा 7.5 के रफ्तार से तो इसे कितना लगेगा, 4 लगेगा। यदि अभय 2 यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा, अगर अभय जो है अपनी गति 2 गुना यानी 10 के रफ्तार से जाएगा तो इसे कितना लगेगा, 3 घंटा। तो समीर से जो है 1 घंटा कम ही लगा है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 4.5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा। फिर 9 3 27 होगा, 27 4 108 होगा, 108 5 करेंगे तो इतना होंगे, फिर यहाँ पर 6 करेंगे। इस प्रकार से जो है यानी पहले 2 से गुना 3 से गुना 4 से गुना 5 से गुना 6 से गुना। अगले सवाल को देखें। 3 मित्र है जे के एल, एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ते हैं और वो क्रमशः 12 18 और 20 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करते हैं, तो कितने मिनट में तीनों फिर से प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे? इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 180 ये सेकेंड हुआ, यहाँ पर मिनट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 60 से आप भाग देंगे तो 36 18 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 मिनट में जो है फिर प्रारंभ बिंदु पर आ जाएंगे सभी। अगला सवाल। 312 रुपये की राशि को 100 लड़के और लड़कियों के बीच वितरित करना है, यानी कि लड़का लड़कियों की कुल संख्या है 100, रुपया है 312। अगर लड़के को 3.6 रुपये प्रति रुपये की दर से दी जाती है और लड़की को 2.4 रुपये प्रति, यानी कि 2.4 जो है प्रति लड़के और यहाँ पर 2.4 रुपये प्रति लड़की और 3.6 रुपये प्रति लड़के को दिया जाता है, यहाँ पर आप जो है मान लेते हैं कि ये लड़कियों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 से गुना करेंगे, तो 40 से करेंगे तो यहाँ पर 4 4 कट गया, 24 4 96 आ गया। फिर यहाँ पर बचा है मेरे पास 60, तो 60 यहाँ पर हम गुना करेंगे इसको पुराने के लिए, तो यहाँ पर ये 0 0 ये कट जाएगा, यानी कि ये 36 गुना 6 करेंगे, 6 6 के 36, 6 3 18 3 21, 216 और 96, 6 6 12 9 1 10 1 11 और 2 1 3, 312 हो जाते हैं। तो यानी कि लड़की की संख्या 40 और लड़का का संख्या जो है 60 हो जाएगा। माला और कला की आयु का अनुपात जो है 4:3 है, उनकी आयु 28 वर्ष है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, यहाँ पर देखेंगे दोनों का अनुपात है 4 3 7 7 4 28, तो एक का आयु होगा 16 और एक का 4 3 12, अब 8 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा 24 और ये 8 वर्ष बाद हो जाएगा 20, यहाँ पर 4 6 24 4 5 20, 6:5 हो जाएगा। 2 शंकु की ऊंचाई दिया गया है 1:3 और उनके आधारों की त्रिज्या दिया गया है 3:1 और आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, तो 1/3 दोनों तरफ रहेगा तो उसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और पाई दोनों तरफ रहेगा उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर जो है 1/3 πr² h, r स्क्वायर जो है r यहाँ पर दिया गया है 1 का 3 3 3 9 और h यहाँ पर इसका दिया गया है 1। अब यहाँ पर जो है
आर यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो एक है, तो एक एच का मान यहाँ पर है तीन, तो तीन तिया काटेंगे तो नौ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन अनुपात एक हो जाएगा, तीन अनुपात इधर बराबर में एक है इधर तीन है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। तीन क्रिकेट गेंदों का मूल्य दो जोड़ी लेग पैड का मूल्य के बराबर है और तीन जोड़ी लेग पैड का मूल्य दो जोड़ी दस्तानों के कीमत के बराबर है और तीन जोड़ी दस्तानों का मूल्य दो क्रिकेट बैट के मूल्य का बराबर है। यदि क्रिकेट के बल्ले की कीमत 54 है तो क्रिकेट के गेंद की कीमत क्या होगी। क्रिकेट के बल्ले की कीमत जो है 54 है, तो आपको पता है कि तीन जोड़े दस्ताना का मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रिकेट के बैट का मूल्य यहाँ पर दो हो जाएगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन जोड़े का है तो तीन से भाग देंगे, 18 × 54 तो यहाँ पर आ जाएगा 36। 36 अब फिर क्या करना है, 36 × 2 बटे तीन करना है, क्योंकि तीन जोड़ी लेग पैड की कीमत है, तो यहाँ पर तीन से काटेंगे तो 12 × 2 = 24, यहाँ पर 24 आएगा। फिर यहाँ पर क्रिकेट के लिए आपको निकालना है, तीन से गुना करेंगे 24 में और दो से भाग देंगे, तो 24 में दो से गुने करेंगे और तीन से भाग देंगे, यहाँ क्योंकि तीन का मूल्य दिया हुआ है, तीन से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 8 × 3 = 24, तो आपका 8 × 2 = 16 आंसर आ जाएगा जो कि बी होगा। अगले सवाल को देखें। चार पुरुष और छह महिलाएं 8 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष का मान आपको निकालना पड़ेगा तभी ये संभव होगा। अब देखेंगे, चार पुरुष प्लस छः महिला, और उसके बाद देखेंगे गुना करेंगे कितना से, तो 8 से, फिर इधर बराबर में देंगे 3 + 7, 3 पुरुष 7 महिलाएं, और गुना करेंगे कितना से, 10 से। अब यहाँ पर देखेंगे 8 × 4 = 32 पुरुष प्लस 48 महिला बराबर कितना होगा, यहाँ पर 10 × 3 = 30 और प्लस हो जाएगा 10 × 7 = 70 महिला, यहाँ पर महिला है यहाँ पर पुरुष है। अब जो है 30 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 48 और यहाँ पर हो जाएगा 22 महिला, तो यहाँ पर काटेंगे कितना बार में, 11 बार में कटेगा, पुरुष का हो गया कितना 11 और महिला का हो जाएगा 1, तो 4 पुरुष है तो 4 × 11 = 44, महिलाएं का मान 1 है तो 44 + 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, तो 50 कितने दिनों में, तो 8 दिन में, तो यहाँ पर 50 × 8 करेंगे और 10 महिलाएं का मान दिया गया है तो 10 भाग देंगे 10 से, यहाँ 10 से भाग देंगे तो 10 महिला के बारे में पूछा जा रहा है, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो संख्या का 20% क्या होगा। ये संख्या जो है 150 है और इसका आप 40% करेंगे तो हो जाएगा 15 × 4 = 60, और इस संख्या का अगर आप 60% करेंगे तो 60% में हो जाएगा 90, और अंतर जो है 30 का हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इसका 20% क्या होगा, तो 150 का 20% आप निकाल सकते हैं, 20/100, 2 0 ये कट गया, 15 × 2 = 30 हो गया, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज का विश्लेषण, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।